हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेसल्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था एंड जो आपका चैप्टर वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले, इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आपको पता होगा, dy अपॉन dx की फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखी तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लेट कर रहे थे, लेट कर लीजिए y इक्वल टू जो एक फंक्शन है एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे जो y है वो किसका फंक्शन है, x का। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का जब कभी भी यूज़ करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि जो एफ एक्स है वो फंक्शन किसका है, x का। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन होगा तो dy वाई अपॉन डी एक्स आएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स, यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे dy वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है एंड जो एफ एक्स है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब बात करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लीजिए वाई जेड इक्वल टू एक फंक्शन हम लोग लेट करेंगे एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो एक्स का भी होगा और वाई का भी होगा। अब इस कंडीशन में जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे तो हमेशा पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, जेड, जेड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप कह सकते हैं वेरिएबल। यानी कि जब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल मिलते हैं तब हम लोग हमेशा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के टर्म, तो एक्स के टर्म में भी डिफरेंशिएशन होगा, वाई के टर्म में भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कितने चल रहे हैं, टू। तो यहाँ पे देखिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा एक्स के टर्म में एंड डेल जेड अपॉन क्या आएगा, डेल वाई, वाई के टर्म में भी होगा डिफरेंशिएशन। तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, अगर दो या दो से ज़्यादा आपको वेरिएबल मिलते तो हमेशा यहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट दिखे, इन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्हें आपको याद होना चाहिए। पी लिखा होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू लिखा होगा इसे हम लोग लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, एस लिखा होगा इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड आर लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टी लिखा होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये देखिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। जब कभी भी देखिए आर का भी यूज़ हम लोग करेंगे, टी का भी यूज़ करेंगे एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे, वहाँ पे जो इक्वेशन थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन होगी वो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड कैसे करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, जो डी पे पावर होती थी वो ऑर्डर हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है वाई इक्वल में लिखा हुआ है जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम लोग को ऑर्डर चाहिए तो भाई जो डी पे पावर होगी वो ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा टू, और डिग्री क्या हो जाएगी, होल ऑफ पावर होती है डिग्री, यानी कि इसकी डिग्री हो जाएगी वन एंड जो जिसकी ऑर्डर हम लोग यानी कि जो हाइएस्ट ऑर्डर होगा उसी की हम लोग हमेशा डिग्री भी फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स एंड इसकी होल ऑफ पावर लिखी हुई है थ्री प्लस में लिखा हुआ वाई इक्वल में लिखा हुआ है जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है टू, यानी कि जो डी पे पावर है वो ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा टू। एंड देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है थ्री, बट यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री थ्री नहीं, इसकी अगर वो डिग्री फाइंड करेंगे तो इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, वन, क्योंकि जिसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं उसी की क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं, यानी कि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आए, सेम यहीं पर हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो पार्शियली डिफरेंशियल, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखा होगा या डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल जेड अपॉन यहाँ पे जो टर्म होंगे वो जेड में, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल यानी कि दो या दो से ज्यादा आपको वेरिएबल हमेशा मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ इक्वेशन पी टेन वाई लिखा है प्लस में क्यू टेन एक्स लिखा हुआ इक्वल में लिखा है सेक स्क्वायर जेड इज ऑफ द ऑर्डर, इसका हमें बताना है ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, क्यू को क्या लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए आपको पार्शियल डिफरेंस यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वेशन चाहिए होगी। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है पी टेन वाई प्लस में लिखा हुआ है क्यू टेन एक्स इक्वल में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर जेड। अब सबसे पहले पी को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर P इक्वल टू लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q इक्वल टू लिख देंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स टेन वाई लिखा हुआ है प्लस में लिखा हुआ है Q, Q की जगह रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई
टेन एक्स इक्वल में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर जेड। अब देखिए ये है आपकी इक्वेशन, यहाँ पे देखिए दोनों पे क्या चल रही है, ऑर्डर वन चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर हो जाएगा वन। ऑर्डर क्या हो जाएगा वन, यानी ओनली ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर वन, अगर डिग्री भी पूछी जाए तो डिग्री भी क्या होगी इसकी, डिग्री भी हो जाएगी वन। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी इक्वेशन यानी कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही, तो आपको पावर किस पे देखनी है, डेल पे। जो भी पावर डेल पे होगी वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, एंड जो होल ऑफ पावर होगी वो डिग्री हो जाएगी। जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी की हम लोग डिग्री भी देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन पी क्यू में भी लिखी हो सकती है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में भी लिखी हो सकती है, बट आपको क्या करना है, जब भी हम लोग ऑर्डर और डिग्री फाइंड करें तो हमेशा डेल एक्स अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल वाई में ही हमें इक्वेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डी की पावर देखते हैं। तो इसके देखिए अगर पी की फॉर्म में लिखी तो आप पी को लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड क्यू को लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, इक्वेशन को कन्वर्ट करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ऑर्डर डिग्री मिल जाए। एंड अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स में आपको इक्वेशन दे ही रखी है तो आप उससे बहुत ही ईजी तरीके से डिग्री फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए इक्वेशन क्या लिखी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का लिखा हुआ है टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होल ऑफ पावर टू इक्वल में लिखा हुआ जीरो। इस ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे भी हमें ऑर्डर ही फाइंड करना, तो यहाँ पे देखिए डेल पे क्या, डेल डेल पे जो पावर है वो क्या लिखी, टू। तीनों ही कंडीशन, तीनों ही इक्वेशन में यानी कि डेल स्क्वायर जेड लिखा है, डेल स्क्वायर जेड, डेल स्क्वायर जेड, यानी कि पावर क्या चल रही है, टू चल रही है डेल पे। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल पीडीई, का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन देखिए इन्होंने कहा इसकी डिग्री बताई, तो यहाँ पे देखिए डिग्री हम लोग किसकी देखेंगे, जिसका ऑर्डर हाई होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर किसका आई है, लिखे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए डिग्री क्या चल रही है, टू चल रही है, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वन है, तो जिसका हाइएस्ट ऑर्डर होगा उसी की हम लोग डिग्री देखेंगे। तो हाइएस्ट ऑर्डर किसका है, टू का। अब चाहे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हाइएस्ट ऑर्डर क्या चल रहा है, टू, बट यहाँ पे डिग्री क्या चल रही है, वन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, यानी कि डिग्री हो जाएगी इसकी वन। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई जेड पी प्लस में लिखा है जेड एक्स पी इक्वल में लिखा हुआ एक्स वाई, वेयर इन्होंने देखिए यहाँ पे पी इक्वल टू दे रखा है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। अगर नहीं भी दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए, पी को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, वाई को हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखते हैं। हैज़ ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कि इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों ही फाइंड करने। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग पी को क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड यहाँ पे क्यू को क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यू होगा, क्यू को क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब दोनों पे क्या होगा भाई, कोई भी स्क्वायर नहीं चला तो दोनों पे देखिए क्या, डेल पे पावर वन होगी, यहाँ पे भी पावर क्या होगी, वन ही होगी, और ऑर्डर भी क्या, यानी कि होल ऑफ पावर भी इस पे क्या लगी, वन, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर चल रहा होता तो कंडीशन चेंज हो जाती, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं, ओनली क्या लिखा है, पी और जेड लिखा है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई मिलेगी, यहाँ पे ऑर्डर भी वन हो जाएगा और डिग्री भी इसकी वन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर वन और डिग्री वन। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है डेल अपॉन डेल वाई प्लस में लिखा है टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है जेड इक्वल में लिखा हुआ है जीरो। यहाँ पे भी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करें तो जो भी डेल पे पावर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या चल रही है, थ्री, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका थ्री, और डिग्री क्या चल रही है, होल ऑफ पावर चल रही है वन, तो डिग्री हो जाएगी वन। एंड उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा गया द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर स्क्वायर प्लस में सिक्स एस लिखा है माइनस का टी स्क्वायर इक्वल में लिखा हुआ है जीरो इज द ऑर्डर ऑफ, इसका भी हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो चल रही आर एस टी में चल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आर की, एस की और टी की। तो सॉल्यूशन नंबर सिक्स, तो देखिए आर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर को हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका निशान लगाएंगे सिक्स लिखेंगे, और एस को क्या लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल फाई, प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखा सॉरी माइनस का निशान लगाइए, लिखा है टी, टी को हम लोग लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एंड होल ऑफ पावर चल रही है टू इक्वल में लिखा हुआ है जीरो। अब देखिए यहाँ पे इसकी हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो क्या चल रहा है, टू। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ओनली ऑर्डर की बात कही तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि डेल पे पावर क्या चल रही है, टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू। तो उम्मीद करते हैं ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको सॉल्व करा दी, एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। करते हैं ऑर्डर और डिग्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हेडिंग डाल लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर, या लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से आपको जितनी भी इक्वेशन मिलेगी उन सभी का ऑर्डर भी फर्स्ट होगा और डिग्री भी फर्स्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आपको इक्वेशन दे रखी होगी, पूछेगा भाई
बताइए कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, बट कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हेडिंग डालिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। तो भाई ये देखिए, कैपिटल पी लिखा एक्स कॉमा वाई, यानी कि कैपिटल पी लिखा एक्स कॉमा, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई का कोई ना कोई फंक्शन होगा। स्मॉल पी लिखा है प्लस में क्यू लिखा एक्स कॉमा वाई, क्यू लिखा हुआ है इक्वल में लिखा हुआ आर एक्स कॉमा वाई, जेड लिखा है प्लस में एक्स लिखा है, एस लिखा है एक्स कॉमा वाई, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ पी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होगा, यहाँ पे स्मॉल पी, क्यू लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होगा स्मॉल क्यू, प्लस में लिखा हुआ आर एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होगा जेड लिखा हुआ, प्लस में लिखा हुआ एस एक्स कॉमा वाई। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर पी क्यू जेड आर लीनियर, यानी कि इन्होंने कहा है पी क्यू जेड जो वो लीनियर है। अब इसका क्या मतलब होगा भाई, पी क्यू जेड लीनियर, इसका मतलब पी की क्यू की एंड जेड की पावर में कभी भी स्क्वायर नहीं आपको मिलेगा, क्या मिलेगा ओनली वन लिखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या पड़ी है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑर्डर भी हमेशा फर्स्ट होना चाहिए और डिग्री भी हमेशा फर्स्ट। और पता होगा भाई पी को हम लोग क्या लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू को लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब इस कंडीशन में इसका ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी क्या है फर्स्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी पी क्यू जेड है वो कभी वो लीनियर है, इसका मतलब यहाँ पे कभी भी पावर में आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है तो वो क्या करेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड नंबर पर लिखा गया सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी भी फॉर्म देखिए पी एक्स कॉमा वाई लिखा स्मॉल पी लिखा, क्यू लिखा एक्स कॉमा वाई स्मॉल क्यू लिखा, यहाँ पे देखिए इक्वल में आर लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई जेड, यानी कि यहाँ पे आपको पी जो फंक्शन होगा एक्स कॉमा वाई का होगा। स्मॉल पी क्यू यहाँ पे भी क्या है लीनियर, यानी कि पी और क्यू की पावर कभी भी स्क्वायर में नहीं मिलेगी। क्यू एक्स कॉमा वाई यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन, एक्स का भी मिल सकता है वाई का भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर एक्स कॉमा वाई जेड, यानी कि इक्वल में जो आपको फंक्शन मिलेगा वो एक्स वाई जेड तीनों का भी मिल सकता है, यानी कि एक्स का होगा तब भी सेमी लीनियर डिफरेंशियल, वाई का होगा तब भी और जेड का होगा तब भी क्या कहलाएगी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या थी, यहाँ पे पी क्यू और इक्वल में देखिए एक एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे एक कॉन्सर यानी कि एस एक्स कॉमा वाई में भी फंक्शन था, यहाँ पे क्या इक्वल में आपको एक्स वाई जेड इन तीनों में से कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा। तो इस कंडीशन में कोई भी होगी तो क्या कहलाएगी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। थर्ड नंबर पे देखिए लिखा है कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए पी एक्स कॉमा वाई जेड, यानी कि यहाँ पे पी जो है वो एक्स का भी फंक्शन हो सकता है वाई का भी और जेड का भी। स्मॉल पी लिखा, फिर क्यू में भी क्या लिखा एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पे भी एक्स वाई जेड तीनों का, तीनों में से कोई भी फंक्शन हो सकता है। फिर क्यू लिखा हुआ इक्वल में लिखा है इक्वल में लिखा हुआ आर एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी तीनों में से कोई भी फंक्शन आपको मिल सकता है। एंड लिखा है पी क्यू आर, यहाँ पे भी पी क्यू क्या है वो लीनियर, तो पी और क्यू की कभी भी आपको स्क्वायर पावर नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी तो क्या कहलाएगी कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। फोर नंबर पे लिखा गया नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई, इस फॉर्म में यानी कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी इस फॉर्म में इक्वेशन है इक्वल में क्या होना चाहिए जीरो, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इक्वेशन आपको समझ में आ गई। आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया, द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन अ नॉन फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल स्क्वायर। इन्होंने कहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे जो फंक्शन है वो दो या दो से अधिक वेरिएबल है। तो हमने आपको बताया भाई यहाँ पे देखिए लिखा होगा एफ x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, तो ये क्या कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्होंने कहा दो या दो से अधिक वेरिएबल, यानी कि इन्होंने कहा z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई है, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो किस क्या इक्वेशन कहलाएगी, तो अभी हमने आपको बताया अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन जो पार्शियली करते हैं। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा, पी डी ई का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए लिखा गया ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड। अब सेम डिफरेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इन्होंने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन इज रिक्वायर्ड। तो पार्शियल डिफरेंशियल कंडीशन क्या होती है भाई, यहाँ पे देखिए दो और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल आपको मिलने चाहिए इंडिपेंडेंट। हमने आपको बताया यहाँ पे जो एफ एक्स एक्स कॉमा वाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जेड जो है वो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे भी जो एफ एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ये जो है वो जो है डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भाई दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, तो कोई भी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी।
थर्ड नंबर पे लिखा गया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एक इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने कहा है बताइए ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल तो है बट कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए भाई आपको अगर कंडीशन पता होंगी तो पता होगा भाई, यहाँ देखिए क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखा है बट हमने आपको जितनी भी कंडीशन लगाई यहाँ वहाँ पर हम लोगों ने पी क्यू या जेड का यूज़ किया है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी, इस फॉर्म में चाहें तो आप कन्वर्ट कर लीजिए एंड अगर आप ऐसे ही पता कर सकते हैं तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और हमने आपको बताया डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग लिखते हैं पी, प्लस का निशान लगाइए। उसके बाद देखिए प्लस में लिखा हुआ है एक्स प्लस का वाई, डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई को लिखते हैं क्यू, इक्वल का निशान लगाएं। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, प्लस का साइन है एंड यहाँ पे देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है, यहाँ पे इक्वेशन पी और क्यू होना चाहिए ओनली, तो यहाँ पे ये प्लस का इक्वल के साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का एक्स माइनस का फोर वाई एंड ये लिखा हुआ है जेड, इक्वल में क्या चल रहा है प्लस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए चाहें तो आप यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन तो आपको मिल जाएगा फोर वाई माइनस का एक्स जेड एंड प्लस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड ये लिखा हुआ है पी, प्लस में लिखा हुआ है एक्स प्लस का वाई एंड लिखा हुआ है क्यू। अब देखिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कैसे, ये देखिए पी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के ही चल रहा है, स्मॉल पी लिखा है प्लस में ये देखिए क्यू एक्स कॉमा वाई का फंक्शन हो जाए ये लिखा हुआ है एंड ये लिखा हुआ है स्मॉल की, इक्वल में क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्वल में जो है यहाँ पे आर होएगा एक्स कॉमा वाई का फंक्शन एंड जेड जो है यहाँ पे जेड पे देखिए पावर भी देख ली, जेड क्यू सब पे पावर क्या चल रही है वन एंड प्लस का निशान लगे एस एक्स कॉमा वाई का फंक्शन। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये इक्वेशन कहती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस का जो ये लिखा तब भी ये क्या कह रहा है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे बस साइन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ओनली क्या देखनी है फॉर्म देखनी है। इक्वेशन पी प्लस का थ्री क्यू इक्वल में लिखा हुआ फाइव जेड प्लस में लिखा हुआ टेन वाई माइनस थ्री जेड इज कौन सी, अब यहाँ पे भी एक इक्वेशन दे रहा है कि पूछा कौन सी इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है ये भी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए पी क्यू में दे रखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है ये देखिए लिखी पी एक्स कॉमा वाई पी इक्वल प्लस में आएगा क्यू एक्स कॉमा वाई क्यू यानी कि इक्वल में आएगा आर एक्स कॉमा वाई जेड एंड प्लस में आएगा एस एक्स कॉमा वाई। तो आप देखिए इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट, अब यहाँ पे देखिए पी तो लिखा हुआ है एटीजर लिखा रहेगा प्लस में थ्री भी एटीजर लिखा रहा है, ये देखिए क्यू लिखा हुआ है प्लस का आ जाएगा, अब टेन चल रहा है इक्वल के साइड, यहाँ इक्वल के साइड चल रहा है यहाँ पे फाइव जेड एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस में टेन वाई माइनस का थ्री जेड, यहाँ पे जेड नहीं यहाँ पे फंक्शन एक्स का होगा ठीक है थ्री एक्स, ये देखिए यहाँ पे सही करिए ये क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए ये फॉर्म कैसे, हमने आपको बताया पी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन हो जाएगा बट यहाँ पे तो कोफिशियंट वन चला है, तो वन चला तो इसे आप लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो और एक्स की पावर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस का यहाँ पे भी थ्री आ जाएगा, इसे भी हम लोग एक्स की पावर या वाई की पावर यहाँ पे चाहे तो आप लिख दीजिए एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर जीरो एंड ये देखिए क्यू इक्वल में लिखा हुआ है फाइव जेड, यहाँ पे भी चाहे तो लिख दीजिए एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर जीरो, जेड प्लस में आ जाएगा। देखिए आपको फॉर्म देखनी, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी चल रही है एंड फॉर्म सेटिस्फाई करे तो ये क्या कहलाएगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर जीरो की, तो एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, यानी कि यहाँ पे भी फंक्शन एक्स और वाई का होगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोफिशियंट जो थे सभी के क्या चल रहे थे वन, बट फॉर्म तो सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे देखिए पी लिखा है प्लस में देखिए क्यू लिखा हुआ इक्वल में जेड लिखा हुआ एंड प्लस में लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन, तो ये भी इक्वेशन क्या कहलाएगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू भी चल रही होगी तब भी क्या कहलाएगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी, फॉर्म अगर सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है टू एक्स प्लस का थ्री वाई, पी लिखा हुआ है प्लस में लिखा हुआ फोर एक्स क्यू माइनस में लिखा हुआ एंड यहाँ पे देखिए एक्स और वाई के फंक्शन, हमने आपको बताया जो फंक्शन है वो एक्स और वाई के, तो एक्स और वाई में से अगर कोई एक फंक्शन में लिखा है तब भी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फोर एक्स क्यू माइनस के लिखा हुआ एट पी क्यू इक्वल में लिखा हुआ एक्स प्लस का वाई इज, अब इसका राइट आंसर आ रहा है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इससे हम आपको बता दें कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टू एक्स प्लस वाई, 2x प्लस का लिखा हुआ है 3y एंड ये देखिए लिखा हुआ है p प्लस में लिखा हुआ 4xy q
क्यू माइनस में लिखा हुआ 8pq एंड इक्वल में जो वैल्यू चलिए सारी इधर ले तो आपको मिल जाएगा माइनस का x माइनस का y इक्वल में वैल्यू आ जाएगी 0। एंड ये देखिए भाई आपको क्या इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई के भी चल रहे हैं, पी क्यू सब साथ में ही फंक्शन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू सभी फंक्शन आ जाएंगे इक्वल में क्या होना चाहिए, तो ये इक्वेशन कराएंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे यहाँ पे देखिए अगर आप फॉर्म और भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई और इक्वेशन मिल रही है p चल रहा है q चल रहा है ठीक है यहाँ तक तो वैल्यू आपको सही मिल रही है, बट आगे देखिए यहाँ पे माइनस का pq मिला बट कोई भी कंडीशन यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे भी pq मल्टीप्लाई में कभी भी नहीं आएगा ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई तो सही है बट यहाँ पे पी क्यू क्या चल रहा है मल्टीप्लाई, और पी क्यू मल्टीप्लाई में चला है इसका मतलब ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी, क्योंकि किसी भी कंडीशन में देखिए पी क्यू मल्टीप्लाई में नहीं आता, पी क्यू के साथ कोई ना कोई एक एक्स का फंक्शन होगा या वाई का हो सकता है जेड का, बट मल्टीप्लाई यानी कि पी क्यू साथ में नहीं होंगे मल्टीप्लाई में। तो जब कभी भी पी क्यू साथ में मल्टीप्लाई में होंगे तो हमेशा ये क्या कहलाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x प्लस वाई माइनस का जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड प्लस में लिखा हुआ है 3x, प्लस में लिखा है 2y, एंड यहाँ पे देखिए लिखा है डेल जेड अपॉन डेल वाई, प्लस में लिखा है 2z इक्वल में लिखा है x प्लस का वाई, इसका राइट आंसर है कौसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंडीशन सेटिस्फाई करें, यहाँ पे देखिए फंक्शन एक्स वाई जेड के चल रहे हैं, तो एक्स वाई जेड के फंक्शन तो कौसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही चलते हैं, तो भाई ये क्या कहलाएगी कौसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। एक्स वाई जेड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक्स वाई जेड तीनों लिखे हैं तो ये कौसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स वाई में भी तो फंक्शन चल रहा है, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको ये क्या कह रहा है कौसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर लिखा है पी लिखा है, प्लस में वाई स्क्वायर लिखा है क्यू लिखा है, इक्वल में लिखा है एक्स माइनस का वाई जेड स्क्वायर, प्लस में लिखा है एक्स माइनस का वाई, ये जो इक्वेशन है वो सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन पी एक्स कॉमा वाई, ये देखिए पी एक्स कॉमा वाई यानी कि एक्स का फंक्शन है, क्यू एक्स कॉमा वाई यहाँ पे वाई का फंक्शन है, इक्वल में देखिए क्या लिखा आर एक्स वाई जेड यानी कि यहाँ पे देखिए क्या फंक्शन हो चाहिए तीनों का ही फंक्शन, तो एक्स का भी है वाई का भी है एंड जेड का भी। तो जो ये इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी तो सबसे पहले आपको उसके कोई भी फॉर्म से कंपेयर करना है, यानी कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखी हो आपको देखना है किस फॉर्म में दे रखी है, अगर एक्स वाई की फॉर्म में तो यानी कि कॉन्स्टेंट के साथ तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगी, एक्स वाई और इक्वल में एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन है तो ये क्या कहलाएगी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगी, एंड कौसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड तीनों के ही फंक्शन होने चाहिए तो ये कौसी लीनियर डिफरेंशियल, और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल एक्स वाई जेड पी क्यू सब अगर मल्टीप्लाई में पी क्यू लिखे तो ये क्या कहलाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने सॉल्व करें, हम ये नहीं कह रहे भाई यही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको फॉर्म पता होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट फ्रॉम द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी जेड इक्वल टू एक्स प्लस का ए वाई प्लस का भी, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसका फाइनल आंसर आ रहा है पी क्यू इक्वल में जेड, यानी कि देखिए जब कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू साथ में मिले यानी कि जेड इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन दे रखा हो ए भी कॉन्स्टेंट दे रखा हो, तो हमेशा यहाँ पे देखिए एक रूल को फॉलो करते हैं, हमेशा हम यहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और जैसे ही आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगे सब इसी मेथड को फॉलो करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 9 एंड इक्वेशन क्या दे रखी है z इक्वल टू लिखा गया है x प्लस का a एंड y प्लस का b, इसे बनाइएगा सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मेथड समझ लीजिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो ठीक है कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे उन्हें सॉल्व जरूर करिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले z इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस का a एंड y प्लस का b। अब देखिए हमने आपको बताया था भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या तो दो वेरिएबल होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तो z इक्वल टू x प्लस का a y प्लस का b यानी कि कितने वेरिएबल है टू वेरिएबल, तो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन एक एक करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएशन या लिखिए पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो आपको क्या मिलेगा डेल z अपॉन डेल x इक्वल का निशान लगाएंगे। अब ये रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का क्या हो जाएगा x का हो गया 1, a का क्या हो गया 0, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में जो वैल्यू एट जेड लिख रहे चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको वैल्यू यही मिलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए जब 1 होगी तो इसकी मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिल जाएगा वाई प्लस का बी एंड ए कॉन्स्टेंट वैल्यू 0, तो यहाँ पे मल्टी यानी कि फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको डेल जेड अपॉन, जब आप डेल एक्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा वाई प्लस का बी, ये वैल्यू किसकी मिल रही है डेल जेड अपॉन
डेल एक्स की, एंड किसकी वैल्यू मिलेगी वाई प्लस बी की। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी पार्शियली, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाई को ये वाली वैल्यू तो एट जेड की मल्टीप्लाई में वैल्यू चल रही, वाई का हो जाएगा वन, बी का हो जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस का ए, ये वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस ए यानी कि डेल जेड अपॉन डेल वाई की। अब इन दोनों ही वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखिए दीज वैल्यू पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कैसे रखें, बाई वाई प्लस बी की जगह हम लोग रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड एक्स प्लस ए की जगह रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, एक्स प्लस का ए लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस का बी। अब देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या, एक्स प्लस ए की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड अपॉन में आ जाएगा डेल वाई, मल्टीप्लाई में वाई प्लस बी की वैल्यू चल रही है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को लिखेंगे क्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यू एंड ये लिखा हुआ है पी, और यही आ रहा है देखिए आपका फाइनल आंसर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, जब भी कांस्टेंट दे रखे हो तो हमेशा कांस्टेंट की आपको वैल्यू पुट करनी पी और क्यू के टर्म में, तो पी क्यू के टर्म में आनी चाहिए। देखिए जेड इक्वल टू या तो पी क्यू के टर्म में आएगा एंड आर टी के टर्म में भी आ सकता है, ठीक है एक्स वाई भी होंगे, बट यहाँ पे क्या आपको करना है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर, देखिए जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव वो लिख दें वेयर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है क्यू, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गए, इसी मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट, यहाँ पे भी एक इक्वेशन दे रखी है एंड इसका आंसर आ रहा है जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस में आ रहा है पी क्यू, तो यहाँ पे भी देखिए कॉन्स्टेंट नहीं आ रही इस क्वेश्चन में, यहाँ कॉन्स्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करते हैं सॉल्व, तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे z इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी वाई एंड प्लस में आ जाएगा ए बी, ये इक्वेशन क्या दे रखी है गिवन में। अब ए बी यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटाने पड़ेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमेशा देखिए इसी मेथड को फॉलो करेंगे, मेथड बिल्कुल भी चेंज नहीं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगे सब इसी मेथड को फॉलो करें। तो देखिए डिफरेंशिएशन वो भी पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आपको मिल जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करें एक्स का क्या हो जाएगा वन, ए एज अ कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में चल रहा है एट जेड लिखा रहेगा, वाई ए बी वाले ये हो जाएंगी वैल्यू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके जब आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन आ जाएगा डेल वाई एंड यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वाई का हो जाएगा वन, बी एज मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा और ए एक्स और ए बी हो जाएंगे कॉन्स्टेंट तो वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही वी, यानी कि ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, बी की वैल्यू आ रही डेल जेड अपॉन डेल वाई। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिखते हैं पी लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को लिखते हैं क्यू। अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें दीज वैल्यू, इसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है जेड एट जेड लिखा रहेगा, ए की जगह क्या रखेंगे पी, तो यहाँ पे रख दीजिए पी, एक्स एट जेड लिखा रहेगा क्यू सॉरी बी की जगह क्या रखेंगे क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, y एट जेड लिखा रहेगा प्लस कंडीशन, ए बी की जगह क्या रखेंगे पी क्यू, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पी क्यू एंड यही देखिए आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बस आपको क्या करें कांस्टेंट हटाने पी क्यू या आर टी के टर्म में वैल्यू को कन्वर्ट करना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 11, जेड इक्वल टू लिखा हुआ ए एक्स प्लस में लिखा हुआ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ वी, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट हटाने और वैल्यू को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चाहे तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड सॉरी सॉल्यूशन नंबर 11, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेड इक्वल टू ए एक्स लिखा हुआ है प्लस में लिखा हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस का लिखा हुआ है वी एंड इसका आंसर क्या आ रहा है पी क्यू इक्वल टू आ रहा है टू पी स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल जेड अपॉन आ जाएगा डेल एक्स और इसको हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख रहे हैं पी इक्वल में। देखिए हमने आपको मेथड समझा दी जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करा इसी मेथड को फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए मेथड आंसर सेम ही रहेगा बट यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसे हमने क्या लिख दिया पी, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ए एट जेड लिखा रहेगा और एक्स का हो जाएगा वन, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी कॉन्स्टेंट। डेल जेड अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर एंड टू वाई, इसे हम लोग क्या लिखेंगे इसे हम लोग की लिखा हुआ है क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमें ओनली कॉन्स्टेंट हटाना होता है पी क्यू आर टी, ठीक है, या एक्स वाई के टर्म में हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्यू इक्वल टू क्या लिखा हुआ है
टू ए स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या चल रहा है, ओनली ए तो कांस्टेंट चल रहा है और ए की वैल्यू क्या चल रही है पी, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे क्यू इक्वल टू टू पी स्क्वायर वाई, या चाहें तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेप बढ़ा लीजिए, क्यू इक्वल टू लिखिए टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर एंड ये लिखा हुआ है वाई, और इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए यही आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्यू इक्वल टू टू पी स्क्वायर वाई, एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना कांस्टेंट हटाने, बट आप किसी किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इजी लग रहा है, तो हमने इससे इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे या तो आपको वी की वैल्यू चाहिए, वी की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू थी इसे हमने इक्वल क्यू जो है वो ए स्क्वायर टू वाई के इक्वल चला था, ए स्क्वायर की वैल्यू में पता थी पी के टर्म, तो उसे हमने पुट कर दिया, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है ये, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखी है जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है बी वाई स्क्वायर, सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स कर देंगे, यहाँ पे मिलेगा टू ए एक्स, चाहे तो आप यहाँ पे ओनली कांस्टेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू किसकी मिल रही है कांस्टेंट की, वाई के रिस्पेक्ट में कहेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा, टू बी वाई आएगा, यहाँ से भी कांस्टेंट बी की वैल्यू निकालेंगे तो वन अपॉन टू वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू किसकी आ रही है कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए इजी तरीके सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल के पुट करेंगे ऐसे वाई इक्वेशन फर्स्ट, और देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जेड एट जेड लगा ए की जगह आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स डेल जेड अपॉन, और यहाँ पे क्या करिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स को लिख देंगे पी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए पी क्यू, तो इसे लिख दीजिए पी, एंड यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर एट जेड लिखा है प्लस में बी की वैल्यू चल रही है वन अपॉन टू वाई, एंड इसको हम लोग लिख देंगे क्यू, और वाई स्क्वायर एट जेड लिखा है, वाई से एक वाई कैंसिल, यहाँ पे भी एक वाई से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको जेड इक्वल टू वन अपॉन टू पी एक्स प्लस में मिल जाएगा वन अपॉन टू क्यू वाई, एंड आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है टू जेड। तो यहाँ पे क्या करिए सबसे पहले आप जो टू है कॉमन लेके इक्वल यानी कि अपॉन में चल रहा है तो मल्टी, तो टू जेड इक्वल टू आ जाएगा पी एक्स प्लस का क्यू वाई, एंड यही आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम इसी मेथड को फॉलो करना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप सॉल्व करिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आंसर इसका लिखे हुआ क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल में आ रहा है फोर जेड। अब जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस का ए का स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स माइनस का ए, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो टू वाई माइनस बी, यहाँ से एक्स माइनस है और वाई माइनस बी की वैल्यू निकालिएगा, तो आपको क्या आंसर क्या मिल जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका फाइनल। और जब वन अपॉन टू एक्स्ट्रा आ रहा होगा वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन टू का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा वन अपॉन फोर, जैसे ही वन अपॉन फोर मिलेगा उसे कॉमन लीजिएगा, एंड अपॉन में चल रहा होगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो फोर जेड इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर पर लिखा है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी टी लिखा हुआ है, एंड इसका देखिए यहाँ पे पी क्यू ने इन्होंने डायरेक्ट डेल में आंसर दे रखे, तो इसका क्या सबसे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, देखिए सोल्यूशन नंबर 14। तो सबसे पहले देखिए जो भी इक्वेशन है इक्वेशन वही हम डायरेक्ट डिफरेंशियल, तो सबसे पहले जब एक्स के रिस्पेक्ट में गए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल में आ जाएगा ए, क्यों आएगा यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू जाएगा बाकी कांस्टेंट जीरो, फिर लिखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड इसे हम लोग क्या लिखेंगे इसे लिख दीजिएगा पी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वी, और ये देखिए वैल्यू वाई का वन बाकी कांस्टेंट जीरो, फिर लिखिएगा डेल जेड अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली सी टी का हो जाएगा जीरो। अब देखिए ए की वैल्यू क्या चल रही है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे चाहे तो पी नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने ओनली डेल में ही वैल्यू मांगी है, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करें, तो ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू क्या चल रही है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जेड इक्वल टू लिखा हुआ है पाई एक्स प्लस का वाई, एंड इसका आंसर आ रहा है क्यू इक्वल में आ रहा है, सॉरी पी इक्वल आ रहा है क्यू के, यह लिख लीजिए क्यू इक्वल आ रहा है पी के, दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 15 में जेड इक्वल टू फाइव डेक्स एक्स प्लस का वाई दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करना सेम कंडीशन को फॉलो, सबसे पहले तो भाई यहाँ पे करिए डिफ्रेंशिएटिंग एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन क्या आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा, इक्वल में देखिए फाइव एक्स प्लस का वाई, तो फाइव डैश हो जाएगा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो अगेन कहेंगे तो वैल्यू वन हो जाएगी, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं पी, एंड इसे बनाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप करिए y के रिस्पेक्ट में तो डेल जेड अपॉन डेल वाई है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको फाइव डैश
एक्स प्लस का वाई एंड इक्वल में इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्यू एंड इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई दोनों की वैल्यू क्या आ रही, इक्वल आ रही। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, पी इक्वल टू आ रहा है क्यू के या क्यू इक्वल टू आ रहा है पी के, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए सोल्यूशन नंबर 16, ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जेड इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड सॉल्व करिए, सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालिए तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का करेंगे तो वैल्यू 0 क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसे हम लोग क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे पी एंड यहाँ पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड अब वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इक्वल में इसे हम लोग क्या लिखेंगे क्यू, क्योंकि यहाँ पे कि डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग लिखते हैं क्यू, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को लिखते हैं पी। इसे बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिखिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी p अपॉन q और इस वैल्यू को लिखिए एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड ये लिखा हुआ है 2x अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2y, ठीक है। हमने क्या किया, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, तो पी अपॉन क्यू आ रहा है, जो वैल्यू लिखी तो सेट से लिख दिया, बस आपको ध्यान रखना डेल एक्स अपॉन डेल वाई नहीं लिखना है आपको। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल है, इस वाली वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल, यानी कि p अपॉन q इक्वल टू आपको मिल जाएगा x अपॉन y, इसे सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पी वाई इक्वल आ जाएगा एक्स क्यू के, ठीक है, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, चाहे तो इक्वल की तरह से तो माइनस में आंसर, तो देखिए आपका आंसर आ रहा है वाई पी माइनस का एक्स क्यू, यानी कि एक्स क्यू माइनस में तो वाई पी एट जेड लिखा रहे थे, प्लस का इक्वल के साइड तो माइनस का आ जाएगा एक्स क्यू इक्वल में आ जाएगा 0 एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। जो भी ऑप्शन में लिखा उसे टिक कर दीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे x इक्वल टू देखा एफ वाई अपॉन x, तो इसमें भी हम लोग कंडीशन को ही फॉलो करेंगे सेम इसी मेथड को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि सोल्यूशन नंबर 17, जेड इक्वल टू लिखा हुआ एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन x, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करी तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डेल z अपॉन डेल x, तो आ जाएगा f डैश y अपॉन x, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x होता तो यहाँ पे एट z यहीं तक लिखा रहता, लेकिन 1 अपॉन x का, तो 1 अपॉन x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी टाइम हमने आपको 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन बताया, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता समझिए, यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन x, इसे हम लोग क्या लिखेंगे x की पावर माइनस का 1, x की पावर n का फॉर्मूला, तो माइनस का 1 आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 एंड माइनस का 1, माइनस हो जाएगा माइनस का आ जाएगा x की पावर माइनस का 2, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ रही है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की आ रही है, इसे हम लोग लिख सकते हैं पी। ऐसे बनाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, एफ डैश आ जाएगा वाई अपॉन एक्स आएगा, 1 अपॉन एक्स्ट्रा चला तो 1 अपॉन एक्स के मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए वाई एक्स्ट्रा चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो था वाई एक्स्ट्रा चला, तो वाई से क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई भी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करें इक्वल में 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा होती तो हमेशा जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एंड इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड, तो यहाँ पे 1 अपॉन x का हमने अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया बट y से मल्टीप्लाई नहीं करी, तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे जो था y अपॉन x, तो डिफरेंशिएशन कर दिया y अपॉन x, यहाँ पे एफ डैश y अपॉन x हो गया, y का हम लोग अगेन कहेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स्ट्रा चल रहा था, y के रिस्पेक्ट में करें तो 1 अपॉन x से कर दी मल्टीप्लाई, ऐसे हम लोग लिख देंगे q। इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकंड, अब लिखिए फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट को हम लोग जब सेकेंड से डिवाइड करें तो पी अपॉन क्यू आ जाएगा, पी की वैल्यू चल रही है यहाँ पे एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पी अपॉन क्यू इक्वल मिलेगा माइनस का वाई अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा माइनस का वाई क्यू एंड इक्वल की इधर साइड लेंगे तो पी एक्स आ जाएगा प्लस में आ जाएगा वाई क्यू एंड इक्वल में आ जाएगा 0 एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल
आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगी। जितने भी फंक्शन में चला यानी कि एफ के साथ एक्स वाई लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, फाइव लिखा हुआ, इन सभी में हम लोग इक्वेशन बना क्या करें, या तो डिवाइड कर दीजिए, अगर वैल्यू इक्वल आए तो इक्वल कर दीजिए, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये देखिए लिखा हुआ एक्स पी प्लस का वाई क्यू इक्वल में आ रहा है जीरो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस का टी प्लस में लिखा हुआ एफ एक्स माइनस का टी। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई में नहीं चल रहा, एक्स और टी में चल रहा, अगर वाई में चल रहा हो तो तब भी ये कंडीशन फॉलो करें। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या लिखते थे, पी लिखते थे, सॉरी क्यू लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग डेल जेड अपॉन डेल टी को क्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई में नहीं, एक्स और टी में चल रहा है। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल जेड अपॉन आ जाएगा डेल एक्स, इससे हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश आएगा, एक्स प्लस का आ जाएगा टी, प्लस का निशान लगाएंगे एफ डैश आएगा, एक्स माइनस का आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में गए तो एक्स माइनस टी, से भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग किसके वाई के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इससे हम लोग क्या लिख लेंगे क्यू। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स माइनस का टी, सॉरी एक्स प्लस का टी, और माइनस का निशान लगाएंगे एफ डैश आएगा, एक्स माइनस का टी आएगा। माइनस क्यों आएगा समझिए भाई, यहाँ पे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव तो टी का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है, तो माइनस एक्स्ट्रा चल रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब इससे बनाई गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे अभी वैल्यू इक्वल नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, एंड यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का है, तो अगर इसका हम लोग अगेन डिफरेंशिएट तो ये वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, इक्वल। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगेन डिफरेंशिएट करें, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एंड यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस का हो जाएगा टी, प्लस का साइन मिल जाएंगे एफ डैश आ जाएगा एक्स माइनस का टी, एंड यहाँ पे डबल डैश का यूज हो जाए। अब देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वन डैश लगा, दो टाइम डिफरेंशिएट तो डबल डैश, और इसे बनाएगा अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं आर। हमने आपको बताया अगर कभी भी लिखा हुआ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो इसे हम लोग लिखेंगे आर, एंड अब इस वाली वैल्यू का अगेन डिफरेंशिएट तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में आ जाएगा डेल टी स्क्वायर, एंड इसे अब हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता तो इसे हम लोग टी लिखते, तो इसे भी हम लोग क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, तो टी आ जाएगा इक्वल में। देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा, एक्स प्लस का आ जाएगा टी, एंड प्लस का निशान लगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू का, ठीक है, इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एफ डबल डैश हो गया एक्स प्लस का टी, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट तो फिर से यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस का फिर से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, और ये मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस का टी, और इससे बनाएगा इक्वेशन नंबर फोर। एंड अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं टी, एंड देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, एफ डबल डैश एक्स प्लस का टी, प्लस का आ रहा है एफ डबल डैश एक्स माइनस का टी, एंड यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डबल डैश एक्स प्लस का टी, एंड प्लस में आ रहा है एफ डबल डैश एक्स माइनस का टी, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है इक्वल। तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे R जो है वो इक्वल किसके आ रहा है, T के, और R इक्वल T के आ, तो T इक्वल के साइड है पॉजिटिव है, इक्वल के इधर साइड तो माइनस का आ जाएगा, T इक्वल में आ जाएगा जीरो, एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ रहा है R माइनस का T इक्वल में आ रहा है जीरो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया जेड स्क्वायर वन प्लस का ए क्यूब इक्वल में लिखा हुआ 8, एंड एक्स लिखा है प्लस में ए वाई लिखा है प्लस में बी लिखा है, होल ऑफ पावर क्या चल रही है क्यूब। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा टू जेड आ जाएगा, जेड स्क्वायर करें और वन प्लस ए स्क्वायर जो एक्स्ट्रा चल रहा है यानी कि कॉन्स्टेंट तो मल्टीप्लाई में चल रहा है एट जेड लिखा रहेगा, फिर जेड का कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो जेड स्क्वायर का हो गया टू जेड, बट एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इक्वल का निशान लगाएंगे एट एट जेड लिखा रहेगा। एक्स का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा, प्लस में ए वाई आएगा, प्लस में आ जाएगा बी, एंड पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर यानी कि पावर के एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स माइनस का वन, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर एक्स की पावर क्यूब लिखा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स सॉरी यहाँ पे वाई और जो बी है वो कांस्टेंट वैल्यू जीरो और एक्स का हो जाएगा वन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे पी लिख देंगे, तो टू जेड लिखा रहेगा वन प्लस ए क्यू, इसे हम लोग लिख देंगे पी, इक्वल का निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग एट थ्री से हो जाएगा ट्वेंटी फोर, एक्स प्लस में आ जाएगा ए वाई, प्लस में आ जाएगा बी का होल अप स्क्वायर, इसे बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसी का हम लोग, वो भी वाई के रिस्पेक्ट में, टू जेड आ जाएगा वन प्लस का ए क्यू एट जेड लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको आपको मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्यू,
इक्वल का निशान लगाएंगे यहाँ पे भी आपको 24 मिलेगा, ठीक है। और एक्स एट जेड लिखा रहेगा, प्लस में यहाँ पे ए वाई आ जाएगा, प्लस में बी आएगा, पावर आ जाएगी स्क्वायर। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो कॉन्स्टेंट ये वाली वाई तो जीरो हो गई, वाई के रिस्पेक्ट में करें वाई का वन और ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ए से मल्टीप्लाई। इससे बनाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे थर्ड से, तो सेकंड को जब हम लोग थर्ड से डिवाइड करें तो देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी 2z 1 प्लस का ए क्यूब पी आएगा, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 2z 1 प्लस का आएगा ए क्यूब क्यू आएगा, इक्वल में वैल्यू चल रही 24, एक्स प्लस में आ जाएगा ए वाई, प्लस का लिखा हुआ है बी होला पावर 2, अपॉन में लिखा हुआ है 24, एक्स प्लस का ए वाई, प्लस में लिखा हुआ b की होल पावर 2 एंड a। ये देखिए वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, आपको फाइनल में वैल्यू मिल जाएगी p अपॉन q इक्वल मिल जाएगा 1 अपॉन a। आप क्या करें यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इक्वल टू मिल जाएगा q अपॉन p, ये वैल्यू आ रही है a की। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए a की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसे डिवाइड कर देंगे फर्स्ट, तो लिखिए फ्रॉम डिवाइडेड बाय सेकंड वाई फर्स्ट। जैसे ही आप सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से तो देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी जेड स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट को डिवाइड कर रहा है सेकंड से, फर्स्ट में लिखा हुआ जेड स्क्वायर, वन प्लस का लिखा हुआ ए क्यूब, इक्वल वैल्यू लिखी हुई है 8 अपॉन 8 लिखा है, एक्स लिखा है, प्लस में लिखा ए वाई एंड प्लस में लिखा हुआ है बी की होल पावर क्या चल रही है 3, अपॉन में देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2z आ जाएगा, ए प्लस सॉरी 1 प्लस ए का क्यूब आएगा और ये आ जाएगी p की वैल्यू, एट जेड लिखी रहे यहाँ पे देखिए अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी ये वैल्यू इक्वल में चल रही है, डिवाइड कर रहे हैं 1 को डिवाइड करें 2 से, ये लिखी हुई 1 ये लिखी हुई 2 से डिवाइड करें तो ये देखिए डिवाइड हो गया, एस वाली वैल्यू को जब डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24, एक्स प्लस का ए वाई, प्लस में मिल जाएगा वी पावर यहाँ पे चल रही है स्क्वायर। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जेड अपॉन 2p, वैल्यू क्या मिल रही है जेड अपॉन 2p, इक्वल का निशान लगाइए एंड यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए यहाँ पे ये वाली स्क्वायर कैंसिल यानी कि एक पावर बचेगी, 8 3 हो जाएगा 24, अब यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 3, एक्स प्लस का आ जाएगा ए वाई, प्लस में आ जाएगा बी और इस पे पावर क्या चलेगी 1, ये मिलना है आपको आंसर। अब देखिए यहाँ पे अभी भी कांस्टेंट आ रहा है तो इसके एक्स प्लस ए वाई प्लस का बी की वैल्यू निकाले तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस ए वाई एंड प्लस में बी, अब देखिए 1/3 चला तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगी 3z अपॉन में आ जाएगा 2p, 3z अपॉन में क्या आ जाएगा 2p, ये वैल्यू किसकी आ गई एक्स प्लस ए वाई प्लस में बी की। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ये देखिए यहाँ से देखिए 2z एट जेड लिखा रहता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए, 1 प्लस आ जाएगा ए क्यूब एंड ये लिखा हुआ है क्यू इक्वल में आ जाएगा 24 एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स प्लस ए वाई, प्लस में मिल जाएगा वी होल अप स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्या रही क्यू अपॉन पी, तो रखिए 2z एट जेड लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, क्या रखेंगे भाई ए की जगह क्यू अपॉन पी, तो यहाँ पे देखिए क्यू का क्यूब हो जाएगा अपॉन में पी का भी क्या हो जाएगा क्यूब, ये लिखा हुआ है क्यू मल्टीप्लाई इक्वल तो निशान लगेगा 24 एट जेड लिखा रहे, एक्स भी एट जेड लिखा रहे और इस पूरे की हम लोग वैल्यू रख सकते हैं 3z अपॉन 2p, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए तो एक्स प्लस ए वाई प्लस में बी की जगह क्या रखेंगे 3z अपॉन में रख देंगे 2p एंड इस पूरे पे क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है और ए की वैल्यू क्या रख देंगे क्यू अपॉन पी, तो ये देखिए क्यू अपॉन पी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे तो 2z एट जेड लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो पी क्यू प्लस का क्यू क्यू अपॉन में क्या मिल रहा है पी क्यू एंड ये देखिए मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है क्यू, इक्वल में लिखा हुआ है 24 एंड इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा एंड ये देखिए क्यू अपॉन लिखा हुआ है पी एंड ये देखिए क्यू मल्टीप्लाई में चला क्यू से क्यू कैंसिल, पी क्यूब लिखा हुआ पी स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा क्यूब, ये भी वैल्यू हो गई कैंसिल, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 6 24 2 3 6 तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी जेड पी स्क्वायर प्लस का क्यू क्यूब सॉरी पी क्यूब चल रहा है और क्यू का भी क्या चल रहा है क्यूब चल रहा है, इक्वल में वैल्यू मिल जाएगी आपको 9 3 3 9 27 एंड जेड से देखिए एक जेड भी कैंसिल हो जाएगा यानी कि जेड से क्या हो रहा है एक जेड भी कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट एंड देखिए यही आपको फाइनल वैल्यू बच रही है और यही आ रहा है आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है पी क्यू प्लस का क्यू क्यू इक्वल में आ रहा है 27z एंड यही आ रहा है आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगी, फिर से समझिए। सबसे पहले इक्वेशन देखिए उसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसके बाद हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करा इक्वेशन नंबर सेकंड में, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पी। फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहले इक्वेशन सेकंड को हमने डिवाइड करा थर्ड से, जैसे ही हमने इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड करा यहाँ पे कॉन्स्टेंट ए की हमें वैल्यू मिल गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड, जैसे ही फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा तो आपको एक्स प्लस ए वाई प्लस में वी की वैल्यू निकालनी जो कि आ रही 3z अपॉन में 2p। इन दोनों ही वैल्यू क्या करा, फिर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू एक्स प्लस ए वाई प्लस का बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दी। थर्ड में पुट करी, उसके बाद जब आप सॉल्व करें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट करिए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है एफ फंक्शन दे रखा है जेड माइनस एक्स वाई, एंड लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखा है, एक ये लिखा हुआ है एंड एक फंक्शन ये लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग लिख देंगे जेड माइनस का एक्स वाई एंड इक्वल में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड ये फंक्शन किसका मान लेंगे, ये फंक्शन मान लेंगे फाई का। ठीक है, समझ में आया क्या करा, सबसे पहले इस वैल्यू को एट जेड लिख लेंगे एंड इसको हमने फंक्शन मान लिया फाई का। अब इसे हम लोग करेंगे सॉल्व, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, माइनस में एक्स का वन हो जाएगा वाई आ जाएगा, इक्वल का निशान लगाएंगे ये हो जाएगा फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x, इससे बनाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप हम लोग करेंगे y के रिस्पेक्ट टू डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा डेल y, माइनस का निशान लगेगा y का वन x एट जेड लिखा रहेगा, और यहाँ पे देखिए फाई का फाई डैश आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा। और यहाँ पे देखिए एक्स के, अब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, वाई के जब भी इस रिस्पेक्ट में गए तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो 2y ये लिखा हुआ, इसे बना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे पी, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख देंगे क्यू। तो डायरेक्ट चलिए सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पे चाहे तो एक स्टेप यहीं पर बढ़ा लीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, इसीलिए पी माइनस का वाई इक्वल में आ जाएगा फाई डैश, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड ये लिखा हुआ है 2x, इसे बनाएगा भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ पे भी स्टेप बढ़ा लीजिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं q माइनस का x इक्वल में आ जाएगा फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड ये लिखा हुआ है 2y, इसे बनाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए सेकंड से, जब जैसे ही हम लोग फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से तो आपको वैल्यू मिलेगी p माइनस का y अपॉन में मिलेगा q माइनस का x इक्वल में देखिए ये वाली वैल्यू मिल जाएगी फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड ये लिखा हुआ है 2x, अपॉन में लिखा हुआ है फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड लिखा हुआ है 2y, 2 से 2 कैंसिल, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी p माइनस का y q माइनस का x इक्वल मिल जाएगा x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी y p माइनस का y x q माइनस का x, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा पी वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा क्यू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स वाई वाले टर्म एक साथ दीजिए और पी क्यू वाले टर्म एक साथ, तो यहाँ पे मिल जाएगा पी वाई माइनस का क्यू एक्स इक्वल मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड यही आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, क्या करा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाया, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से और आपको आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको सभी लगवा दिए, ये नहीं करे भाई यही क्वेश्चन आई, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो जब कभी भी आपसे कहेगा भाई फॉर्मेट फॉर द इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी उन्हें हटाना और पी क्यू में पी क्यू लिखा हो, ठीक है, पी क्यू जेड है, पी क्यू एक्स वाई इस टर्म में आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, यानी कि कॉन्स्टेंट आपको हटाने पड़े किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा, एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।